A very good morning to all of you. ये आपके क्लास टेंथ का पहला चैप्टर है, सूरदास द्वारा रचित ये पद है। सबसे पहले ये पद जो है इसको पढ़ने से पहले एक बार कवि परिचय कर लेते हैं। ये सूरदास द्वारा रचित है, तो सूरदास के बारे में अध्ययन करते हैं हम। सूरदास का जन्म 1478 ऐसा माना गया है कि 1478 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है मथुरा के निकट रेणुका एक क्षेत्र है, मथुरा के निकट रेणुका स्थान पे इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में पारसौली स्थान का नाम है, जगह का नाम है पारसौली में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म इनका 1478 में, मृत्यु इनकी 1583 में, जन्म स्थान मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र और मृत्यु का स्थान पारसौली। इनके गुरु जो हैं वो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और कर्म यानी ये जो कार्य करते थे वो क्या था, भजन कीर्तन। इनके द्वारा भजन कीर्तन किया जाता था, कहाँ, श्रीनाथ मंदिर में। श्रीनाथ मंदिर में रहते थे और वहीं पे ये क्या करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे। अब आते हैं साहित्यिक परिचय। तो इनके द्वारा रचित तीन ग्रंथ हैं, इन्होंने तीन ग्रंथ इनके द्वारा रचित है, वो कौन सा है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। वो तीन ग्रंथ कौन कौन है, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। तो ये तो है सूरदास का जीवन परिचय, सूरदास के बारे में जो भी हमने अध्ययन किया। अब आते हैं इनके द्वारा रचित पद में। तो सूरदास द्वारा रचित पद में बताया जा रहा है, उधो तुम हो अति बड़ भागी। ये जो है कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियां जो है वो क्या कहती हैं, उद्धव से कहती हैं, क्योंकि उद्धव हमेशा कृष्ण के समीप रहने वाले हैं। तो उनसे गोपियां क्या कहती हैं कि तुम हो अति बड़ भागी, तुम बड़े भाग्यशाली हो, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तक आते नाहीन मन अनुरागी, लेकिन क्या है तुम स्नेह के धागों से बंधे हो। अपरस रहत स्नेह तक आते तुम स्नेह के धागों से बंधे हो, फिर भी क्या है नाहीन मन अनुरागी, लेकिन तुम उनके प्रेम को, उनके अनुरक्त को नहीं समझते हो। कैसे, जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी। इस प्रकार से जैसे पुरैन पात यानी कमल का पत्ता जो है जल के अंदर रहता है, पुरैन पात रहत जल भीतर, जल के अंदर कमल का पत्ता रहता है, तारस देह न त्यागी, लेकिन क्या होता है उसको जल का एक बूंद भीगो नहीं पाता है, उस पे असर नहीं करता है। वैसे ही तुम कृष्ण के पास रहते हो लेकिन कृष्ण के प्रेम को नहीं समझते हो। ज्यो जलमाह तेल की गागरी भूंगनता को लागी। ये क्या गोपियां क्या कर रही हैं, कर रही हैं कि ज्यो जलमाह तेल की गागरी, जिस तरह से तेल से भरा गागर, गगरी में तेल अगर पूरा भर दिया जाए और उसको पानी में डाल दिया जाए तो क्या वो तेल जो है सो पानी में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो वही कह रहा है कि ज्यो जलमाह तेल की गागरी, जिस तरह से तेल का गागरी जो होता है उसको जल में डुबोया जाता है, बूंद नता को लागी, और उसका एक एक बूंद जो है अलग हो जाता है, उस तेल उस पानी में नहीं मिलता है। वैसे ही क्या हो तुम, हो
प्रीति नदी में पांव न बुरयो दृष्टि न रूप परागी। जिस तरह से क्या है, तुमने प्रेम रूपी प्रीति नदी में पांव न बुरयो, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव रखा ही नहीं, तुम प्रेम को कभी समझे ही नहीं। प्रेम नदी में पांव न बुरयो दृष्टि न रूप परागी। और तुम्हारी तुम्हारी दृष्टि जो है किसी सौंदर्य को देख करके कभी मुग्ध हुई ही नहीं, तुम प्रेम को क्या समझोगे। सूरदास अबला हम भोली गुर चाटी जाओ पागी। गोपियां क्या कहती हैं, कहती हैं कि हम लोग तो सूरदास अबला हम भोली, हम लोग तो भोली भाली हैं। जिस तरह से गुर चाटी जाओ पागी, जिस तरह से चीटियां क्या करती है, थोड़े से गुण पे लिपट जाती है और वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती है, उस तरह से क्या है, हम कृष्ण के प्रेम में दीवानी हम लोग हो गए हैं। हम लोगों को जिस तरह से चींटियाँ नहीं हटती हैं, वैसे भी हम लोग नहीं हट सकते हैं। तो ये है पद जो है सूरदास द्वारा रचित पद है। अब देखिए, अब यहाँ गोपियाँ जो है उद्धव को बड़भागी तो कहती हैं, लेकिन बड़भागी में यहाँ जो है व्यंग है, वो व्यंग मारती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, कि क्या कर रहे हो, उस प्रेम को नहीं समझ रहे हो, उस तुम रहते तो साथ में हो लेकिन तुम्हें कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ बड़भागी जो है वो क्या किया गया है, व्यंग किया गया है, गोपियों द्वारा व्यंग किया गया है। यही जो है सो क्या है, सूरदास द्वारा रचित पद है ये, आपके चैप्टर का पहले चैप्टर का पहला पद है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आए तो बताइएगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें और अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।